आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के एम्स में भर्ती करने की तैयारी, केवल 25% ही काम कर पा रही है किडनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजभवन घेरने जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर चली लाठी और वाटर कैनन, कृषि कानूनों के विरोध में था मार्च। ईसाई प्रचारक पॉल दिनाकरण के चेन्नई स्थित जगहों पर इनकम टैक्स के छापे, 120 करोड़ की संपत्ति और 5 किलो सोना बरामद करने का दावा। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सोमवार से शुरू होगी सुनवाई, चलेगा बगावत उकसाने का मुकदमा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज, सरकार मना रही है पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र की बेटी अनीता बोस ने दिया पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को धन्यवाद। किसान आंदोलन का आज 59वां दिन, 11वें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने पर डेडलॉक के लिए किसान संगठनों ने बताया सरकार को जिम्मेदार, आंदोलन पूरे देश में फैलाने का ऐलान। 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में पकड़ा गया संदिग्ध युवक, अपने बयान से पलटा, पहले मीडिया के सामने कबूली थी पुलिस के इशारे पर हिंसा की साजिश रचने की बात। जब साथ रहने की संभावनाएं खत्म हो जाएं तो तलाक के लिए 6 महीने कानूनन इंतजार जरूरी नहीं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सहमति से तलाक चाहने वाले दंपत्ति की याचिका पर दिया फैसला। और दिल्ली में भी ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान शिमला से भी 1.5 डिग्री कम हुआ दर्ज, प्रदूषण की वजह से हवा भी पहुंची बहुत खराब श्रेणी में।